बीसीसीआई ने जारी की सालाना प्लेयर की रिप्लेसमेंट। जी हां साथियों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बुधवार को सेंट्रल कंट्रोल में घोषणा कर दी है। बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई को बुधवार को एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का पत्ता काट दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों की रणजी ट्रॉफी में न खेलने से बीसीसीआई नाराज हो गए हैं। सालाना प्लेयर की रिप्लेसमेंट 2023-24 के 30 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2023 को 30 सितंबर 2024 तक के लिए है। पिछले साल इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह, लिक वर्मा, रजत पाटीदार और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की किस्मत चमक गई है, जिसमें ए प्लस में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ए प्लस में हिस्सा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में जीत हासिल कर ली है। भारत ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। कोहली अपने निजी कारणों की वजह से सीरीज से बाहर हैं। ग्रेड ए में 6 प्लेयर हैं, जिसमें दिग्गज स्पिनर अश्विन प्रेयर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, बल्लेबाज केएल राहुल, सुमन गिल और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम है। सिराज, गिल और राहुल का प्रमोशन हुआ है। तीनों खिलाड़ियों ग्रेड बी में ग्रेड ए से। राहुल चोट के कारण इंग्लैंड सीरीज के 1 मैच से बाहर हो चुके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में चोटिल हो गए थे और तब से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है उन्होंने। ग्रेड बी में 5 खिलाड़ी हैं, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। अक्षर और पंत ग्रेड ए से बी में खिसक चुके हैं। पंत दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट के बाद मैदान से दूर रहे हैं। वह आईपीएल 2024 से मुकाबला कर सकते हैं। ग्रेड सी में सर्वाधिक 15 खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप केएल भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार हैं। बीसीसीआई ने तेज गेंदबाजों को अलग से कॉन्ट्रैक्ट देने की परंपरा शुरू की है, जिसमें आकाशदीप, विजय कुमार, वैशाख, उमरान मलिक, यश दयाल का नाम शामिल किया है। बता दें कि ग्रेड ए के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़, जबकि ग्रेड ए प्लेयर को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्रेड सी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।